लगातार और सारे अदर्स को लेकर के वो क्या वर्डिक्ट दिया है? कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें दो मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। एक जरा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक लीगल टर्म को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करते हैं, जो गैंग चार्ट है इसको कैसे आम आदमी समझने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई सारे इसमें मुकदमे चंदौली और वाराणसी के भी। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे, इसलिए ये गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसीलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे, 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।